एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर ये जिपई को देखते हैं, जो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मिस्टर फान के हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढने की बात करते हैं। जिसके बाद लियांशन लियांकाई से अपने गार्ड के बारे में पूछता है, जिसे उसने लियांकाई की मदद के लिए भेजा था। अब वो उसे सच तो बता नहीं सकता था, इसलिए वो उसे झूठ कह देता है कि वो फुयान चला गया है। और सीन यही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ लियांशन के अंकल उससे कह रहे थे कि जल्द ही उसके फादर उसके बाद अपने लिए एक नया उत्तराधिकारी चुनने वाले है, जिसमें या तो लियांग या फिर तुम, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है और इसके लिए हमें मिस मिंग की भी मदद लगने वाली है। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया, मिस मिंग का कई लोगों के साथ उठना बैठना होता है और उसकी उन्हें काफ़ी मदद हो सकती है, इसीलिए उसके अंकल के सुझाव पर लियांशन मिस मिंग से मिलने आता है और दोनों भी साथ में बैठ कर कुछ बातें करते हैं। दूसरी ओर लियांकाई मिस्टर फान को रिस्पेक्ट पे करने आता है, तभी पीछे से फान यान्यून आकर उसे हक करके उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है, जिससे ऐसा रोते हुए देख लियांकाई उसे अपने से दूर कर उससे कहता है कि अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे हालत में देख लिया तो वो हमारे बारे में गलत समझेगा, जिस पर यान्यून उसके हाथ पे बाइट कर वहाँ से चली जाती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है और इन दोनों के बीच क्या है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद हम सभी को रात के खाने पे देखते हैं, जहाँ पर लियांकाई मौजूद नहीं था। पापा चिनसांग से लियांकाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर चिनसांग उन्हें बताती है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। तभी लियांकाई भी वहाँ यूनिफॉर्म में आता है, जो उन्हें बताता है कि मैं किलर को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन पापा उसे डांटकर सबके साथ खाने पे बिठा देते हैं। लियांकाई ने अभी भी ग्लव्स पहने हुए थे, तो पापा उसे ग्लव्स उतारने के लिए कहते हैं। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ की चोट सबको दिख जाती है। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए, इसलिए लियांकाई चिनसांग को इशारा करता है, जिस वजह से चिनसांग को झूठ बोलना पड़ता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी छोटी सी फाइट हो गई थी। इन सब के बाद लियांकाई चिनसांग से थैंक यू कहता है उसकी मदद के लिए, लेकिन चिनसांग को तो सब कुछ पहले से ही पता है कि उसके हाथ में ये जो निशान है वो कहाँ से आया। वो उसे बताती है कि हम सिर्फ नाम के ही पति पत्नी हैं और तुमने ये शादी भी इसीलिए की है ताकि मैं हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही कवर अप कर सकूं। और अगर तुम यान्यून से सचमुच प्यार करते हो तो तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, और अब तुम्हें अपने भाई लियांशन को भी धोखा नहीं देना चाहिए। लियांकाई उससे कहता है कि जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है, वो यान्यून से प्यार नहीं करता, वो चिनसांग को पसंद करता है और वो उससे अपना प्यार कन्फेस करने ही वाला था, मगर वो सोचता है कि चिनसांग उस पर वैसे भी भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो रुक जाता है। और घर से बाहर निकल वो मिस मिंग के पास आता है, वहाँ वो ड्रिंक भी करता है और मिस मिंग ने जो उसकी मदद की थी पिछली बार, वो उसके लिए उसे रहने के लिए एक घर भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम लियांकाई को देखते हैं, जो चिनसांग को लेकर शॉपिंग आया था, मगर चिनसांग को लगता है कि वो फिर से उसे कहीं इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझकर शॉप की सबसे महंगी ज्वेलरी उसे बाय करने के लिए कहती है, जो कि लियांकाई उसे खरीद भी देता है। शॉप के बाहर आते ही चिनसांग उससे पूछने लगती है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर लियांकाई उसे पान जियांगचे के पास लेकर आता है, जहाँ पर वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, क्योंकि लियांशन और लियांकाई में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ लियांशन ने पापा यी को बताया है कि मिस्टर फान का कातिल टियानमिंग एसोसिएशन हो सकता है, तो पान जियांगचे भी लियांकाई को यही सजेस्ट करता है कि फिलहाल के लिए हम भी यही मानकर चलेंगे, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है मिस्टर फान का फ्यूनरल, जिसके लिए हमें उनकी डेड बॉडी लगेगी, जो कि इस वक्त मुरोंगचंग के पास है, और पापा यी के नज़रों में उठने के लिए लियांकाई को मिस्टर फांग की बॉडी लानी ही होगी, जिसके लिए उन्हें चिनसांग की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि चिनसांग ही है जो ये कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया, घर की सबसे बड़ी बहू लियान यी की पत्नी मुरोंगचंग की डॉटर है, अगर वो अपने पापा से बात कर मिस्टर फांग की बॉडी वापस लाएगी तो ये उनके लिए अच्छा ही होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि चिनसांग अपने भाभी से बात कर उन्हें इस काम के लिए मना ले, जिसके लिए चिनसांग मान भी जाती हैं और वो बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके लिए मुरोंगचंग भी मान जाती है। दूसरी ओर लियांकाई मिस मिंग को रहने के लिए घर देता है, जहाँ पर उसकी माँ का एक पोर्ट्रेट भी था, तो लियांकाई उस पोर्ट्रेट को वहाँ से ले जाने की बात करता है, क्योंकि ये उसकी माँ का है, मगर मिस मिंग होंगी उसे ऐसा करने से रोक देती है, ये कहकर कि अगर ये घर उसका है तो यहाँ की हर एक चीज़ उसकी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये घर भी उसे नहीं चाहिए, जिसके लिए मजबूरन लियांकाई भी मान जाता है। मिस मिंग यहाँ उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लियांकाई में इंटरेस्टेड थी, और साथ ही में उसे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि चिनसांग और लियांकाई के बीच पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है, मगर लियांकाई उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि हमारे ये फैमिली में हम हमारी पहली पत्नी को नहीं छोड़ सकते,
नेक्स्ट सीन में हम चिनसांग और मुरान चिंग को देखते हैं जो चेंजू प्रोविंस जाने के लिए निकल पड़ी थी। तभी पीछे से लियांग काई भी आता है उनका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड बनकर और वो लोग चेंगजू पहुंच जाते हैं। मगर मिस्टर मुरांगफेंग अपनी बेटी के आने से खुश नहीं थे क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो यहाँ किस लिए आई है। यहाँ तक कि वो यी फैमिली के बारे में भी बुरा भला कहने लगते हैं कि इस काम के लिए उन्होंने घर की औरतों को भेजा है। म्यूरंग चियान यहाँ अपने भाई म्यूरंग फेंग से भी मिलती हैं। मिस्टर म्यूरंग चंग उनके लिए चीज़ें और भी मुश्किल कर देते हैं जिस वजह से मजबूरन चिनसांग अपने जान की बाजी लगा देती है। मगर हमारा हीरो लियांग का ऐसा होने कैसे दे सकता है, वो तुरंत आगे आकर उनसे ये कहता है कि वो लड़ाई करेगा। तो म्यूरंग चंग भी मान जाता है और उससे कहता है कि वो अगर चावल की बोरी खत्म होने तक टिका रहा तो उसे मिस्टर फान की बॉडी वापस दे दी जाएगी। लियांग काई भी इसके लिए मान जाता है और यहाँ हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जिसमें लियांग काई जीत जाता है। म्यूरंग चेंग भी उससे काफी इंप्रेस हो जाता है कि लियांग काई जैसा प्लेबॉय आखिर तक टिका रहा और उसे मिस्टर फान की बॉडी वापस दे देता है। वापस जाते वक्त म्यूरंग फेंग अपनी बहन को मिस्टर फान के सामान वाला सूटकेस देता है और उसे बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लियांचन और फान यानियन को ही दे देना। जिसके बाद वो सभी मिस्टर फान की बॉडी लेकर यी मेंशन आते हैं और म्यूरंग चियान भी अपने भाई के कहने पर मिस्टर फान वाला सूटकेस लियांचन को लाकर देती है जिसमें उनका कुछ सामान था और एक यूनिफॉर्म भी था जो कि ऑब्वियसली उस किलर का ही था जिससे कि उन्हें उस किलर को ढूंढने में आसानी हो। और यहाँ मिस्टर यी जिपेई मिस्टर फान की तस्वीर को देखकर उनसे बातें कर रहे थे कि उनके छठे भाई और मिस्टर फान दोनों भी उनके राइट हैंड थे जिन्होंने उन्हें सत्ता हासिल करने में बहुत मदद की थी, मगर वो दोनों भी अब चले गए और वो अब अकेले रह गए, इसीलिए वो अब अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने की बात करते हैं।